क्लास उर्दू अदब का चैप्टर है बर्फ़ ही बर्फ़। इसकी नेक्स्ट आज रीडिंग करेंगे यहाँ से। गर्मियों के मौसम में जो इस इलाके में बहुत कम दिनों के लिए आता है, अम्मा अपनी बहन के साथ घर के बाहर दिन भर खेलता है। इसकी बहन का नाम टोमी है। इन्हें कोई भी दिन भर खेलने पर रोक टोक नहीं करता, इसलिए कि गर्मी के दिन बहुत कम होते हैं, फिर तो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और बच्चे घरों में बंद रहते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम में सब्ज़ा और फूल बड़े हसीन नज़र आते हैं और कभी कभी निकलने वाला सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है, तो सब बच्चों और बड़ों को पसंद आती है। गर्मियों में अम्मा और टोमी खूब घूमते फिरते हैं और अक्सर छोटे छोटे पहाड़ी चूहों का शिकार करते हैं। ये अस्किमो बच्चे हमेशा तेज़ रंगों के लिबास में नज़र आते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत और शोक रंग की चीज़ें पसंद करते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। गर्मी के थोड़े से दिन भी सर्दी के दिनों की तैयारी में निकल जाते हैं। मामा और टोमी की माँ खाल से घास जूते और हिरन की खाल को घिस घिस कर इससे कमीज़ बनाती है, ताकि ये पहनकर बच्चों को सर्दी ना लगे। यहाँ तक आपने रीडिंग याद करनी है। नेक्स्ट उर्दू अदब का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्किमो जानवर की खालें किस तरह हासिल करते हैं? इसका जवाब है, अस्किमो जानवरों की खालें शिकार करके हासिल करते हैं। सवाल नंबर 2 है, अस्किमो के कपड़े और जूते किस चीज़ से बने होते हैं? इसका जवाब है, अस्किमो के कपड़े और जूते जानवरों की खाल से बने होते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने याद करने और इन्हें आपने लिखकर याद करने और नोटबुक पर डेट डालकर फिर लिखा कर, और ये 2 क्वेश्चन और रीडिंग अच्छे तरीके से आपने याद करनी है।